कैम्ब्रिज इंग्लिश टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो डायरी एंट्री को लेकर है। बहुत सारे आदमी डायरी एंट्री, भाई अच्छी डायरी, एक शानदार डायरी किस प्रकार से लिखी जाए। डायरी लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग राय, क्योंकि डायरी आपकी, आप उसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो है वो ये है, उसमें डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए, टाइम भी मेंशन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसी आदमी को रात के समय अच्छा विचार आ जाए, रात को 2 बजे अच्छा विचार आ जाए, तो रात के 2 बजे अपना टाइम लिख देना, रात के 2 बजे मैंने ये लिखी। तो टाइम और डेट उस पर जो मेंशन होना चाहिए, नीचे अपने साइन कर देने चाहिए कि मैंने लिखा है इसको, उसका आदमी का नाम होना चाहिए। मेन है अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, मैं उसके द्वारा भी आपको समझाऊंगा। लेकिन छोटी, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, कंटेंट क्या होना चाहिए, व्हाट हैपन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में क्या घटना घटी है, क्या हुआ है, वो पता होना चाहिए। योर फाइनल्स, आपका फाइनल क्या है, मंथ अंत उसका क्या हुआ, कोई काम हुआ तो उसका अंत क्या हुआ, एंड हाउ यू फेल, और आपको कैसा महसूस हुआ। क्योंकि आपको डायरी एंट्री में ये नहीं हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखना, नहीं, कोई किसी दिन कोई विशेष घटना घटती है तब लिखते हैं, या फ्यूचर की कोई प्लानिंग आपके दिमाग में आ जाती है कैसे करना चाहिए, वो बातें लिखी जाती हैं, या कोई शानदार आइडिया आ जाता है वो लिखा जाता है। योर फ्यूचर गोल्स क्या है, आपके फ्यूचर का कोई गोल आपको समझ में आ जाए, भाई मैंने अब तो ये करना है और उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करना है, ये मेरी प्लानिंग मैंने तैयार कर दी है, तो डायरी लिखी जाती है। डायरी नेचुरल होनी चाहिए, बनावटीपन उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि डायरी आप लिख रहे हैं तो आपने अपने जीवन से संबंधित असली बातें उसमें लिखनी चाहिए। तो डायरी एंट्री में ये विशेष बात ध्यान रखेंगे। और उसमें टेंस की बात करें, अभी इंग्लिश में जब आप डायरी लिख रहे हैं तो टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट का परफेक्ट एक ही भाव को व्यक्त करते हैं, मतलब कुछ हुआ या कुछ हो चुका तो एक ही बात है। और फ्यूचर को लेकर आपको कोई आइडिया आया फ्यूचर में क्या करना है, क्या करेंगे, तो फ्यूचर टेंस में डायरी होनी चाहिए। तो मेन ये बातें आपको विशेष ध्यान में रखनी। बाकी अभी मैं आपको एक फॉर्मेट जो मैंने बनाया हुआ है उसके द्वारा समझाता हूँ। देखिए, ये सन 2019 की डायरी मेरे दोस्त के द्वारा लिखी हुई थी, मैंने उसमें से, उसकी डायरी में से फ़ोटो उतार रखी है। तो मैंने ये बनाया है, चारों तरफ आपको, आप देख रहे हैं ये सब, भाई हमने क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। तो मैं इसकी डायरी को देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ था, तो क्योंकि उसने सच्चाइयाँ लिख रख रखी, तो सच्चाइयाँ ही लिखनी चाहिए। जब डायरी लिखते हैं एक मेन पॉइंट और ध्यान रखें, वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, आई या वी, क्योंकि डायरी लिखने वाले जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, वो अपने बारे में लिखेगा, आई या वी, मैंने किया या हमने किया, मिस, ये थर्ड पर्सन नहीं लिखा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आओ शुरू करते हैं, अपने दोस्त की डायरी में से मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा। एक तो डेट उसने जिस दिन लिखी थी वो डेट मेंशन की, 30 जुलाई 2019 में लिखी थी, उसकी डायरी का ये पेज है। तो डियर डायरी, ये ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे डियर डायरी वगैरह ऐसा लिखो, वैसे लिखें तो अच्छा लगता है, लेकिन ना भी लिखे तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डायरी आपकी, आपकी मर्ज़ी कैसे लिखें। लेकिन मेन पॉइंट जो होता है वो डेट होती है, टाइम होता है, इसने नहीं मेंशन करा, टाइम भी मेंशन करना चाहिए। और उसके बारे में जो है फर्स्ट पर्सन का मैंने बताया, अभी आपको फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। अब देखिए और शुरू करते हैं, और ये डेट आ गई आपकी, मेंशन रहेगी डियर डायरी, जैसे एड्रेस में, एड्रेस हु यू आर राइटिंग टू, किसको लिख रहे हैं ये आप यहाँ पे मेंशन कर दे, डायरी का कोई नाम रख सकते हैं। टॉपिक रिटन इन फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में जो टॉपिक लिखते हैं पहले आप इसी को एक बार पढ़ लें कि डायरी क्या है। टुडे आई स्टार्टेड माई न्यू जॉब, मेरे दोस्त ने जो जॉब स्टार्ट की थी उसके बारे में लिखा था। टुडे आई स्टार्टेड माई न्यू जॉब, मैंने आज नई जॉब स्टार्ट की, एट द आइसक्रीम पार्लर, एक आइसक्रीम पार्लर है उसमें। आई वॉज एक्साइटेड बट वेरी नर्वस, मैं बहुत उत्साहित था लेकिन उदास भी था एट द सेम टाइम, उसी समय मैं उदास भी था, नर्वस भी था। आई होप दैट, मुझे आशा है माई मैनेजर एंड द गर्ल्स, मेरा जो मैनेजर है वो जो लड़कियाँ हैं, हु वर्क देयर, जो वहाँ पर काम करती हैं, लाइक्ड मी, क्योंकि मैं पसंद आया हूँ। वन ऑफ द गर्ल्स हु वर्क देयर, एक लड़की जो वहाँ पे काम करती है, वॉज कॉल्ड एनी, जिसको, जिसका नाम एनी रखा हुआ था, सी वॉज ऑसम, वो बहुत अच्छी थी, नॉट श्योर आई लाइक सारा, मुझे पक्का यकीन नहीं है कि सारा को भी मैं अच्छा लगा हूँगा। सी वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली, वह ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी, बट सी ओनली वर्क्स टू डेज
ए वीक, लेकिन वह है सप्ताह में केवल 2 दिन काम करती है। सो आई वुडंट सी हर मच, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं देख सका, ज़्यादा नहीं मिल पाया। एनी वे ए न्यू डे टुमारो, कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है। लेट अस होप आई कैन मेक सम टिप्स, लेट अस होप, मैं आशा करता हूँ, आई कैन मेक सम टिप्स, मैं कुछ टिप्स बनाऊँगा। विश मी लक, तो मेरे लक के लिए आप विश करें, मुझे आशीर्वाद दें मिस, ये इसमें था। नीचे साइन कर सकते हैं, अपने साइन करना है, नाम लिख सकते हैं। आप देखिए, राइट हाउ टू मेड यू फील, आपने कैसा फील हुआ वो लिख सकते हैं। उस दिन, मान लीजिए दिन की कोई घटना आपने लिखी, वो कैसा फील हुआ, फीलिंग लिख सकते हैं। आगे है राइट ऑनेस्टी, इसने लिखा कि एन ए थी, वो उसकी फ्रेंड थी, उनके बारे में लिखा, इसने ईमानदारी से लिखा था। आपने क्या लिखना, राइट ऑनेस्टी, ईमानदारी से लिखे आप। यूजिंग इमोजीज, कोई भी जैसे हंस रहा है, हंसता हुआ चेहरा सा बना दिया, ऐसे इमोजिंग आप डूडल्स यूज कर सकते हैं डायरी में। फ्यूचर होप्स, कोई भी फ्यूचर की आपकी उम्मीद है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, कोई एक्सेप्टेशन है आपकी, वो लिख सकते हैं एट द एंड। इन्फॉर्मल या सिग्नेचर वगैरह आप कर सकते हैं, इन्होंने इन्फॉर्मल वे में किया हुआ है, MWACH वगैरह ऐसा लिख के, तो आप अपना कोई ज़रूरी नहीं इन्फॉर्मल में अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। साइन ऑफ टू शो द एंड ऑफ द एंट्री, साइन ऑफ करना चाहिए, जैसे मान लो मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग, या फिर इन्हें नाइट में लिखा था तो गुड नाइट कर दिया ऐसे। सपोर्टिंग सेंटेंस, सेंटेंस को सपोर्ट करते द सेम टाइम आई होप दैट, जैसे उसी समय, एक तरफ तो ये बहुत उत्साहित था, दूसरी तरफ द सेम टाइम सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है ये पॉइंट। राइट इन फर्स्ट पर्सन, मतलब मेन पॉइंट है कि आपने जो डायरी लिखनी है वो फर्स्ट पर्सन में लिखनी है, आई या वी, क्योंकि लिखने वाले आप हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हैं। तो ये थे इसके मेन पॉइंट। आशा करता हूँ आपको डायरी राइटिंग पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है। मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी थी, लेकिन उससे सबसे बेहतरीन मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो यदि वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।